हेलो, आवाज आ रही सभी को? हाँ हेलो, आवाज आ रही है क्या? ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट किया था एंड डाइल्यूट HCl और H2SO4 वाला ग्रुप कर रहे थे, जिसमें हमारे पास लास्ट हमने लिया था नाइट्राइट आयन। ओके, उस ग्रुप का एक और आयन हमारे पास होता है, देन हम कॉन्सेंट्रेटेड वाले पर चलेंगे। तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर एसीटेट आयन। CH3CO-। तो एसीटेट आयन जो है में क्या होगा, तो अभी से फर्स्ट टेस्ट तो वही हो गया है ना, डाइल्यूट HCl या H2SO4 वाला टेस्ट। तो डाइल्यूट HCl और H2SO4 तो यहाँ पर विनेगर लाइक स्मेल इज ऑब्टेन, क्यों? क्योंकि CH3COOH के वेपर बन जाएंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉल्ट है CH3CO2CA, कैल्शियम का सॉल्ट हो गया, ये कैल्शियम एसिटेट हो गया, उसको हमने H2SO4 से रिएक्शन कराया, इट विल गिव CH3COOH+CaSO। ठीक है, CH3COH का ऑब्वियसली भी नेगार स्मेल वाला। नाउ और हम यहाँ पर अगर सॉल्ट का रिएक्शन कराएं, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं सॉल्ट के और टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर, तो एक है FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट में क्या है कि विद FeCl3 ये हमें डीप रेड कलर का वेपर देता है, ठीक है, सॉरी नॉट वेपर, डीप रेड कलर का सॉल्यूशन देता है। ओके, तो डीप रेड ये ब्लड रेड बोल सकते हैं, डीप रेड और ब्लड रेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। सुमित, दिस इज फर्स्ट स्टेज, तो जैसे CH3 हमारे पास सॉल्ट में क्या CH3CO नेगेटिव एसिटेट आयन है, उसको हम रिएक्शन करा रहे हैं FeCl पॉजिटिव के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और उस कॉम्प्लेक्स का कलर एक्चुअली डीप रेड या ब्लड रेड है। दिस इज FeCl2CH3COOH6 पॉजिटिव। तो ये जो है इसका कलर ऑब्वियसली डीप रेड वाला, साथ में हमारे पास आ गया H+। ठीक है, सो ये जो है ये डीप रेड वाला, ये ब्लड रेड वाला, देखो फिर आगे। ठीक है,
सुमित लास्ट लेक्चर में 4 आए एनपीए तेरने, लास्ट लेक्चर में 4 आए नहीं है। कल एक सल्फाइड था एक सल्फाइड था, तुमने दोनों को सेम ही तो नहीं ले लिया? कार्बोनेट सल्फाइड सल्फाइड नाइट्रेट, 4 हुए थे ना, सॉरी नाइट्राइट। सेकंड सल्फाइड था, थर्ड सल्फाइड था। हो गया सबका? यस आदित्य, दिस वाज फर्स्ट पेज। नाउ देखो हमारे पास एक डीप रेड कलर का सॉल्यूशन आ गया। तो अब देखो क्या है, इस सॉल्यूशन में और डाइल्यूशन किया तो हमारे पास पीपीटी बन जाता है। ओके, सो व्हेन
solution is with water and boil brownish red PPT is produced. ब्राउनिश रेड पीपीटी जो है वो आता है किसका बताते हैं देखो सो Fe3OH होल ट्वाइस CH3CO यही था ना ठीक है पॉजिटिव था इसको हमने डाइल्यूट किया या डाइल्यूशन किया तो यहाँ पर क्या है हमारे पास पीपीटी आएगा और पीपीटी ये कोई सॉल्ट वगैरह कुछ टाइप बन रहा होगा ये सी सी ओ नेगेटिव तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन यहाँ पर क्या होगा कोई मेटल वगैरह होगा इस टाइप से यहाँ पर क्या है कोई सॉल्ट बन रहा होगा तो ये जो है ये पीपीटी ठीक है इसके साथ साथ हमारे पास क्या मिल जाएगा CH3COH प्लस ठीक है तो ये जो है इसको हम बेसिक आयरन एसिटेट भी बोल सकते हैं ओके इसको क्या बोल सकते हैं बेसिक आयरन एसिटेट तो ब्राउनिश रेड पीपीटी इज प्रोड्यूस्ड ये ब्राउनिश रेड पीपीटी ऑफ बेसिक आयरन यहाँ पर ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर डाल सकते हैं आयरन का यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है थ्री एसिटेट इज प्रोड्यूस ठीक है सो हमारे पास सेकंड टेस्ट था नाउ थर्ड वाला जो टेस्ट है ठीक है फर्स्ट टेस्ट था डाइल्यूट एचसीएल H2SO4 वाला सेकंड था HCLC वाला थर्ड वाला हम यहाँ पर ले सकते हैं AgNH3 वाला Ag के मैक्सिमम सॉल्ट जो है क्या पीपीटी बनाता है यहाँ पर भी Ag आएगा और एसिटेट आएगा तो Ag और एसिटेट का जो सॉल्ट है वो क्या है पीपीटी व्हाइट कलर का पीपीटी है तो व्हाइट कलर्ड पीपीटी इज फॉर्म विच इज सॉल्युबल इन बॉइल्ड वाटर एंड अमोनिया सॉल्यूशन या NH3 सॉल्यूशन ठीक है सो हमारे पास AgNH3 का आया Ag पॉजिटिव और जो एसिटेट वाला सॉल्ट उससे आया CH3CO नेगेटिव दोनों ने मिलकर बनाया CH3COAg क्योंकि क्या है व्हाइट कलर का क्लियर है दिस इज नथिंग बट व्हाइट तो ये हमारे पास हो गया फिफ्थ वाला सॉल्ट एसिटेट वाला ठीक है तो डाइल्यूट HCl और H2SO4 वाला ग्रुप हो गया नाउ कॉन्सेंट्रेटेड पर चलेंगे लिख लो पहले
हो गया सबका? हाँ ओके, सो ये हमारे पास था डाइल्यूट वाला ग्रुप। नाउ अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाले की। तो नेक्स्ट हम लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है? ठीक है, आयन ऑफ दिस ग्रुप आयन से सॉल्ट। ठीक है, चलो आयन्स लिख लेते हैं। आयन्स ऑफ दिस ग्रुप गिव्स गैस और वेपर विद कॉन्सेंट्रेटेड एच। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर जो हम सॉल्ट लेंगे वो है क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड सॉल्ट लेंगे या क्लोराइड आयन लेंगे। तो क्लोराइड सॉल्ट या क्लोराइड आयन, तो सबसे फर्स्ट टेस्ट ऑब्वियसली वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला होगा भी। तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो यहाँ पर कलरलेस गैस जो है इवॉल्व होगी। ऑब्वियसली कलरलेस गैस जो है HCl है, जो कि NH4 Cl बना देगी विद अमोनिया, या बोल सकते हैं व्हाइट फिल्म बना देगी NH4 Cl का। ठीक है, तो कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस इज इवॉल्व विच गिव्स व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl which gives white fumes of NH4Cl with NH4OH. ठीक है, तो NH4OH के साथ ये क्या करेगा? White fumes देगा, या NH3 भी बोल सकते हैं। तो देखो हमारे पास सॉल्ट में सी एल नेगेटिव है, इसका रिएक्शन हुआ H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर बना HCl प्लस H2SO4 नेगेटिव। तो ये HCl जो बना है ये HCl कलरलेस है, इसका रिएक्शन हुआ NH4OH के साथ, तो इसने बना दिया NH4Cl जो कि क्या है? व्हाइट फिल्म प्लस HCl। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट टेस्ट ऑफ क्लोराइड।
हो गया सबका? हाँ तो दिस वाज फर्स्ट टेस्ट। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर AGNO3 वाला टेस्ट या सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। AGNO3 के साथ ये AGCL का वाइट पीपीटी देगा। अब जो वाइट पीपीटी है वो सॉल्युबल होगा अमोनिया सॉल्यूशन में, ठीक है। तो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव विल गिव AgCl, ओके। सो वाइट पीपीटी इज फॉर्म AgCl का क्या है, वाइट पीपीटी आ गया। नाउ दिस वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी इज सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन। तो AgCl प्लस NH3 विल गिव AgNH3 होल ट्वाइस Cl, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंड इसके बनने की वजह से हमारे पास क्या है, ये सॉल्युबल, ठीक है। या फिर अगर हम एक्वस अमोनिया की बात करते हैं तो चलो कोई बात नहीं, NH3 वो लिख सकते हैं, NH4OH भी लिख सकते, ठीक है। दिस इज एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन। तो वाइट पीपीटी हमारे पास ये बन गया, सॉरी वाइट पीपीटी जो है क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, ओके। ठीक है, तो ये वाइट पीपीटी क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन वाइट पीपीटी वापिस आ जाएगा अगर हम HNO3 डाल देते हो, तो वाइट पीपीटी रीअपीयर्स विद HNO3। तो क्या है, AgNH3 होल ट्वाइस Cl plus H positive is HNO3 will give AgCl and NH4 positive, ठीक है। तो वापिस तो हमारे पास क्या, वाइट पीपीटी आ जाएगा। ओके, पेज नंबर ठीक है, 1 मिनट।
यस सुमित, ग्रुप पर अवेलेबल है, चेक कर लो। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है यहाँ पर वो है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है इसमें क्या है कि क्लोराइड जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ डीप रेड कलर के वर्क पर देता है जो कि क्रोमिल क्लोराइड का होगा। तो विद K2Cr2O7 सॉल्यूशन डीप रेड वेपर आर फॉर्म, ठीक है। K2Cr2O7 के साथ डीप रेड कलर के वेपर आते हैं। और Cl नेगेटिव, चलो बैलेंस तो क्या ही करना, Cl नेगेटिव प्लस Cr2O7 टू नेगेटिव प्लस S पॉजिटिव, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हुए। तो मतलब देखो जनरली क्या Cr2O7 जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बट वो Cl नेगेटिव जो है इसके साथ वेपर बनाता है, बाकी सभी हैलोजन्स को क्या करेगा, हैलाइड्स को ऑक्साइड करेगा, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडाइज करेगा, आपके जितने भी हैलाइड्स सभी को ऑक्सीडाइज करेगा, बट क्लोरीन को नहीं करता, उसके साथ एक अलग से कंपाउंड बना लेगा, दैट इज CrO2Cl2। एंड ये CrO2Cl2 जो है दिस इज नथिंग बट डीप रेड वेपर। ओके प्लस H2, CrO2Cl2 प्लस H2 आएगा। अब ये CrO2Cl2 जो है डीप रेड वेपर है, तो अब देखो ये CrO2Cl2 को जब हम NaH सॉल्यूशन से पास करते हैं तो हमें येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है ऑफ सोडियम क्रोमेट, एंड वो येलो कलर का सॉल्यूशन जो है लेड एसिटेट के साथ येलो पीपीटी दे देता है, ठीक है। तो डीप रेड वेपर्स गिव्स येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट विद NaOH तो CrO2Cl2 प्लस OH नेगेटिव NaOH OH नेगेटिव विल गिव CrO4 2 नेगेटिव, दिस इज नथिंग बट येलो, ये येलो कलर का सॉल्यूशन है, PPT नहीं सॉल्यूशन, प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2। नाउ ये येलो कलर का सॉल्यूशन जो है ये लेड एसिटेट के साथ क्या करेगा, येलो पीपीटी दे देगा। ओके सो येलो कलर सॉल्यूशन गिव्स येलो पीपीटी विद लेड एसिटेट। लेड एसिटेट के साथ जब रिएक्शन होगी तो येलो पीपीटी आ जाएगा, तो लेड एसिटेट से आया Pb2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है, एंड ये हमारे पास है CrO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर बनेगा PbCrO4 जो कि येलो कलर का पीपीटी।
ओके सो दिस इज पेज नंबर 5. वेपर को कैसे पास करें, हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें वेपर डाल दो और बंद कर दो तो कांटेक्ट में तो आएगा ना, एनएस सॉल्यूशन में कांटेक्ट में तो आएगा ही डिग्रेड वेपर.
हो गया सबका? हाँ ओके, नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट इज ब्रोमाइड. तो ब्रोमाइड आयन या Br नेगेटिव. तो नेक्स्ट सॉल्ट जो है वो ब्रोमाइड सॉल्ट या Br नेगेटिव है. तो इसमें देखो ऑब्वियसली फर्स्ट टेस्ट वही होगा कॉन्सेंट्रेट एक्सप्रेस ऑफ फोर वाला. कॉन्सेंट्रेटेड एक्सप्रेस ऑफ फोर सॉल्यूशन के साथ में पहले रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन आएगा एंड देन बाद में रेडिश ब्राउन कलर का वेपर रिवॉल्व होगा. तो फर्स्ट रेडिश ब्राउन कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन and then reddish brown vapor is evolved. तो पहले reddish brown solution आएगा and then उसके बाद reddish brown vapor आएगा. तो जैसे मान लो हमारे पास है NaBr, तो NaBr प्लस H2SO4 इट विल गिव Na2SO4 प्लस HBr. ओके, तो ये जो हमारे पास है ये रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन. इसकी वजह से सॉल्यूशन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का है. ओके, नाउ फिर से जब हम पास करेंगे यहाँ पर H2SO4 तो हमें यहाँ पर Br2 मिल जाएगा. HBr प्लस H2SO4 विल गिव Br2 एंड ये जो है रेडिश ब्राउन कलर का गैस. ठीक है, सो Br2 आएगा, इसके साथ साथ हमारे पास H2O एंड SO जाएगा. ठीक है, तो HBr ने क्या दिया, Br2 दिया, इसके अलावा H2 आ गया एंड SO2 आ गया. तो ये हमारे पास इवॉल्व होगा Br2 गैस जो कि रेड इज ब्राउन कलर. तो दिस इज पेज नंबर 6.
हो गया सबका? ओके नाउ नेक्स्ट टेस्ट हम यहाँ पर लेंगे, एजी नौकरी वाला टेस्ट। तो जो सीएल है वो एजीसीएल बना था, जो कि व्हाइट पीपीटी था, ये पेल येलो कलर का पीपीटी बनेगा। तो पेल येलो पीपीटी इज फॉर्म तो ए जी पॉजिटिव प्लस बी आर नेगेटिव विल गिव ए जी बी आर, जो कि क्या है, फेलियर। नाउ ये पीपीटी जो फॉर्म हुआ है, फेलियर येलो कलर का जो पीपीटी फॉर्म हुआ है, ये पार्शली सॉल्यूबल है डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में, बट सॉल्यूबल है कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया। ठीक है, तो इट इज सॉल्यूबल या पेल येलो पीपीटी इज पार्शियली सॉल्युबल इन डाइल्यूट NH3 सॉल्यूशन बट सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन। ठीक है, और जो रिएक्शन होगा वो लास्ट टाइम जैसा ही होगा। AgBr प्लस NH3 एक्वस लिख दो या NH4OH लिख दो, कुछ भी लिख दो। AgBr प्लस NH4OH will give Ag NH3 whole twice Br plus H2। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर पेल येलो पीपीटी आएगा और जो बात में क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा अमोनिया सॉल्यूशन में। तो नेक्स्ट वाला हम यहाँ पर जो टेस्ट देंगे वो है लेड एसिटेट टेस्ट या CH3 CO होल ट्वाइस CB। ठीक है, जो कि क्या लेड एसिटेट है। तो लेड एसिटेट से PB आएगा और उधर से BR आएगा, तो PB BR2 बनेगा और PB BR2 जो है वो व्हाइट कलर का पीपीटी है। ठीक है, सो व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म is formed which is soluble in boiling water. Okay, so white PPT is formed which is soluble in boiling water. White PPT kiska aayega? देखो PB2 पॉजिटिव प्लस BR नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है हमें PBBr, तो PBBr2 जो है इसी का क्या है, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, तो PBBr2 जो है ये बॉइलिंग वाटर में क्या है, सॉल्युबल। ओके, सो दैट इज पेज नंबर 7।
वो कैसा रहेगा? नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे K2Cr2O7 वाला टेस्ट, जो कि लास्ट टाइम भी दिया था, वहां पर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोल रहे थे इसको. ओके, सो एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टेस्ट. तो तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जैसे Br नेगेटिव आ गया, इसका हमने Cr2O7 2 नेगेटिव से रिएक्शन कराया. जैसा हमने बताया एसिडिफाइड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब H पॉजिटिव लेंगे एंड इससे हमें क्या मिलेगा, Br2. ठीक है, तो हमने तुम्हें क्या बताया था, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या हो रहा था, Cr2Cl2 मिल रहा था. तभी हमने बताया था कि K2Cr2O7 जो है, यस ये भी एक टेस्ट है. ठीक है, सॉल्यूशन टेस्ट लिख दो आगे. तो K2Cr2O7 के साथ वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट दे रहा था, वहां पर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन जो है ऑक्सीडाइज हो. ओके, तो ये Br2 देगा. ऑब्वियसली Br2 जो है हमने पहले बताया रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा. ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर का हमारे पास वेपर इवॉल्व होगा. इसके अलावा Cr3 पॉजिटिव आ गया एंड H2R. ठीक है, तो ये हमारे पास एसिडिफाइड K2Cr2O7 वाला टेस्ट हो गया, जो कि वहां पर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट. बट क्रोमिल क्लोराइड जो है वो हमारे पास डीप रेड वेपर आ रहा था, और वो आगे क्या कर रहा था, OH के साथ या NaOH के साथ येलो सॉल्यूशन बना रहा था, फिर येलो सॉल्यूशन बाद में येलो PPT बना रहा था लेड एसिटेट के साथ. ठीक है, नो नेक्स्ट टेस्ट यहाँ पर जो है वो है क्लोरीन वाटर टेस्ट. क्लोरीन वाटर टेस्ट जो है इसको हम ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्लोरीन वाटर टेस्ट जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट. तो देखो क्या है, तो हमारे पास जो मेटल ब्रोमाइड है वो क्लोरोफॉर्म CH2 या CCl4 वगैरह के साथ, मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पर ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम CCl4 CHCl या CH2 वगैरह ले रहे हैं. ठीक है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट बोल रहे हैं. तो सबसे पहले तो क्या है, जो ब्रोमीन है Br नेगेटिव क्लोरीन वाटर के साथ Br2 दे देता है, और जो Br2 है वो ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक लेयर किसका भाई, CCl4 का, CHCl3 का या CH2 का, उसमें वो रेडिश कलर का हमें सॉल्यूशन दे देता है. हम बोल सकते हैं कि वो क्लोरीन वाटर जो है उसके साथ ही Br2 गैस है, और Br2 गैस जो है वो बाद में क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया किसमें, ऑर्गेनिक लेयर. ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट से आएगा. ओके, तो हमारे पास
So when bromide solution containing CCl4 CS2 or CSCl3. Is added in chlorine water and then shaken a reddish brown color is obtained in organic layer. ठीक है, organic layer में हमें क्या मिलेगा? Reddish brown color का solution मिल जाएगा. तो क्या यहाँ पर Br negative plus Cl2, obviously Cl2 मतलब chlorine water से आ रहा है वो. ये क्या क्लोरीन वाटर क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है. तो ये हमें देगा Br2 और ऑब्वियसली Cl नेगेटिव आ जाएगा. और जो Br2 है वो हमें देगा रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन. Br2 प्लस CsCl3 CCl4 या CS2, इससे हमें क्या मिलेगा? इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, वाले पार्ट लिख लो पहले. तो दिस इज आई थिंक पेज नंबर 8. ओके, सो लिखो, फिर आगे हम बताते हैं और रिएक्शंस की.
हो गया क्या? हो गया क्या सबका? ओके, सो हम क्या बता रहे थे कि जो ब्रोमीन है ये ऑर्गेनिक लेयर में क्या देगा? ऑर्गेनिक लेयर मतलब CCl4CH2 या CCl3 वगैरह के सॉल्यूशन। तो Br2 प्लस CH2 या CHCl3 या CCl4 तो dissolves to give reddish brown color solution in organic layer. ठीक है, so reddish brown color का solution आएगा किसमें? organic layer। अच्छा याद रखना, अगर हम यहाँ पर excess में chlorine water ले लेते हैं तो excess में chlorine water जो है लेने पर क्या है, जो Br2 था वो Cl2 के साथ combine हो जाएगा और BrCl बन जाएगा जो कि येलो कलर का सॉल्यूशन होगा। तो विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर द ब्रोमीन इज कन्वर्टेड इनटू BrCl या इसे हम बोल सकते हैं ब्रोमीन मोनोक्लोराइड तो इसकी वजह से हमारे पास येलो कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ब्रोमीन इज कन्वर्टेड इनटू BrCl विच इज येलो इन कलर। ठीक है, तो हमारे पास Br2 plus Cl2 will give BrCl, हमारे पास क्या आएगा? येलो कलर का सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया ब्रोमीन के टेस्ट, ठीक है, ब्रोमाइड के टेस्ट। दिस इज आई थिंक पेज नंबर 9। ब्रोमाइड के बाद नेक्स्ट वाला जो आयोडाइड है, आयोडाइड के टेस्ट ऑलमोस्ट ब्रोमाइड जैसे, पहले लिखो फिर आयोडाइड कर सकते हैं।
सबका। ओके सो ये हमारे पास था ब्रोमाइड। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर आयोडाइड। आयोडाइड है जो कि आई नेगेटिव है। तो फर्स्ट वाला टेस्ट ऑब्वियसली वही होगा, कॉन्सेंट्रेटेड SQSO4 टेस्ट। कॉन्सेंट्रेटेड SQSO4 टेस्ट में देखो क्या है, तो यहाँ पर वॉयलेट कलर का जो वेपर है वो इवॉल्व होगा, तो पंजेंट स्मेलिंग वॉयलेट वेपर आर इवॉल्व। पंजेंट स्मेलिंग वॉयलेट वेपर जो है इवॉल्व होगा। तो जैसे रिएक्शन की अगर हम बात करें, एन ए आई प्लस S2SO4 लास्ट टाइम उतर है, एच आई लास्ट टाइम एच बी आर था, अभी एच आई है। जब मैंने बताया टेस्ट ऑलमोस्ट लास्ट टाइम जाती थी, तो मैंने S2SO4 अभी एच आई जो है ये जब S2SO4 से फिर से रिएक्शन करेगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आई टू मिल जाएगा। ठीक है, तो आई टू मिलेगा, इसके अलावा H2O मिलेगा और SO2। तो ये जो I2 है दैट इज हमारे पास डार्क वॉयलेट पेपर या वेपर वॉयलेट पेपर। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर MnO2 ऐड कर दें तो कलर जो है और ज्यादा इंटेंस आएगा। ठीक है, वॉयलेट कलर is intensified on addition of MnO। ठीक है, और यहाँ पर हम MnO2 इसमें ऐड कर देते हैं तो उससे क्या है जो वॉयलेट कलर है और ज्यादा क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाइड। लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? ओके सो MnO2 डालने पर और ज्यादा इंटेंसिफाई क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास और I2 निकलेगा, ठीक है? तो कैसे निकलेगा देखो, जो हमारे पास I नेगेटिव है वो एक्चुअली क्या होगा, हमारे पास क्या है, I नेगेटिव है ना सॉल्यूशन में, ये सॉल्ट का I नेगेटिव जो है वो MnO2 जो है उसके साथ, ऑब्वियसली H2SO4 भी हमारे पास यहाँ पर, तो उसके साथ वो I2 दे देगा, ठीक है? तो इसकी वजह से हमारे पास और ज्यादा क्या है, वॉयलेट कलर आ जाएगा, हम बोल सकते हैं और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑन एडिशन ऑफ MnO2 वॉयलेट कलर क्या हो जाता है, इंटेंसिफाइड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टेस्ट हम यहाँ पर लेंगे AgI टेस्ट, सॉरी AgNO3 टेस्ट। तो लास्ट टाइम क्या आ रहा था, पेल येलो आ रहा था, अभी ब्राइट येलो कलर का पीपीटी आएगा, और वो जो ब्राइट कलर का येलो कलर का पीपीटी जो है वो पार्शली सॉल्युबल होगा कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन में, और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है? तो ब्राइट येलो पीपीटी इज फॉर्म, एजी पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव AgI, AgI जो है वो ब्राइट येलो पीपीटी, तो पीपीटी या AgI, ठीक है, ब्राइट येलो पीपीटी पीपीटी इज इनसॉल्युबल लास्ट वाला क्या था, जो हमारे पास लास्ट टाइम पीपीटी बना था AgBr, वो डाइल्यूट में पार्शियली सॉल्युबल था, कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्युबल था। यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट में तो सॉल्युबल ही नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड में पार्शियल, ठीक है? सो ब्राइट येलो पीपीटी इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट NH3 सॉल्यूशन एंड पार्शियली सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन, ठीक है? जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें पार्शियली सॉल्युबल है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में पूरी तरह सॉल्युबल, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे लेड एसिटेट टेस्ट या CH3 CO होल ट्वाइस TB वाला टेस्ट। तो जैसे हमने बताया था, टेस्ट ऑलमोस्ट लास्ट टाइम वाले, ठीक है? तो PbI2 बन जाएगा ऑब्वियसली, और PbI2 जो है वो येलो कलर का, ओके? तो ये येलो कलर का पीपीटी जो है ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होगा, तो येलो कलर्ड पीपीटी is formed which is soluble in hot water mein soluble hoga to pb और आई, अब इससे मिलकर क्या बनाएंगे, पी बी आई टू है ना, तो पी बी टू पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव बना देंगे पी बी आई टू, तो हमारे पास बन गया पी बी आई टू जो कि क्या है, येलो कलर का, ओके? सो दिस इज स्टेज नंबर 11।
नाउ नेक्स्ट वाला टेस्ट तो हमारे पास K2CR207 वाला, ओके सो एसिडिफाइड K2CR207 सॉल्यूशन टेस्ट तो वॉयलेट कलर के वेपर इवॉल्व होंगे, ठीक है तो लास्ट टाइम जैसे रिएक्शन हो रही थी वैसे रिएक्शन होगी, आई नेगेटिव प्लस CR207 टू नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव विल गिव आई टू प्लस CR3 पॉजिटिव प्लस एच टू, ये हमारे पास हो गए ना। लास्ट टेस्ट जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट है, जिसका दूसरा नाम क्या था, क्लोरीन वाटर टेस्ट है ना। तो लास्ट टाइम हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कैसा आया था, लास्ट टाइम हमारे पास सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन कलर का आ गया था, नाउ यहाँ पर वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन आएगा, तो वॉयलेट कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। तो क्या था रिएक्शन, क्या था पहले, क्या होता था पहले, क्लोरीन वाटर जो है वो क्या करता था, ऑक्सीडाइज कर देता था, तो यहाँ पर भी क्लोरीन वाटर जो है क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास I2 आ गया ना, ये जो I2 है ये डिजॉल्व होगा किसमें, CH2 CHCl3 या CCl4, ठीक है। तो इट डिजॉल्व्स टू गिव Which color? Violet color. ठीक है, तो हमारे पास वॉयलेट कलर जो है वो दे देगा, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक लेयर की बात हो रही, ठीक है। सो दिस इज पेज नंबर 12।
हो गया सभी का। तो ये हमारे पास तीन आयन हो गए डाइल्यूट, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रेस फोर ग्रुप के। नाउ NO3 नाइट्रेट एक आयन और बचा है, उसके बाद हम ग्रुप बी पर चलेंगे। तो वो नाइट्रेट हम नेक्स्ट फैक्टर में कराते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करेंगे।